हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? BLLB 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट, तो आज हमने वीडियो सीरीज आपके लिए शुरू कर दी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। 70% मार्क्स गारंटेड वाली जो हमारी सीरीज है, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देते हैं, तो वह मैंने 9th सेमेस्टर के देने शुरू कर दिए। बाकी सेमेस्टर के बच्चों के लिए तो मेरे चैनल पर फिर भी क्वेश्चन है, लेकिन 9th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए थे नहीं, तो इसलिए मैंने उनके लिए क्वेश्चन दे दिए। तो सिलेबस जो है, आज हम इस वीडियो के अंदर सिलेबस लेके आए हैं आपके लिए। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ साथ मैं आपको सिलेबस पूरा शेयर कर रहा हूँ। इस सिलेबस के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट सिलेबस दे रहा हूँ आपको BLLB का, साथ में रिकमेंडेड बुक्स भी, जो बुक्स आपको रिकमेंड करता है। कौन रिकमेंड करता है? CCSE यूनिवर्सिटी और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी या अदर सिमिलर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को आप इन बुक से कवर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। ऑनलाइन लाइव क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी वीडियो में आपको साथ साथ मिलती चली जाएगी और 70% मार्क्स जो है वो गारंटेड है। तो आज का वीडियो देख लें और सभी सब्जेक्ट के सिलेबस आपको कवर कर लेते हैं। इस बार भी हर बार की तरह 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर और 9th सेमेस्टर, इसमें आपका एक सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLP 9th सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज का वीडियो लेके आया है, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। एक बात मैं पहले ही सब बच्चों को क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर ये जो CRPC है, CPC है, लॉ ऑफ एविडेंस है, ये तो सब चेंज हो गया, अब नया आ गया, तो हमारे को एग्जाम में नया पूछा जाएगा या इसी पुराने से करना है? तो आपको इसी पुराने सिलेबस से करना है। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस होता है यूनिवर्सिटी जो सिलेबस को फॉलो करती हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो CCSE यूनिवर्सिटी है या वो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, IPO यूनिवर्सिटी है या किसी भी तरह की कोई भी यूनिवर्सिटी जो लॉ के सब्जेक्ट को कवर करती है, उसका जो सिलेबस है वो बार काउंसिल फ्रेम करता है सिलेबस। इसीलिए सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही होता है, बार काउंसिल उस सिलेबस को रिकमेंड करता है। तो बार काउंसिल की तरफ से अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन, ऐसा कोई भी नोटिस कुछ भी नहीं आया है, तो इसी वजह से बार काउंसिल तरफ से कुछ ना आने की वजह से इस सेशन में आपका यही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। तो और सेमेस्टर के जो आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 2024 के अंदर, उसमें यही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। तो पेपर वन जो है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसके अंदर पेपर कोड है हमारा BL9001। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस है हमारा, जो पुराना सिलेबस है वो फॉलो किया जाएगा। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोड एंड देयर पावर एंड जुडिक्शन। तो कोर्ट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसकी पावर जुडिक्शन क्या क्या है, अरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन या फिर बेल का राइट, ये आपको बताना है इसके अंदर। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट एंड कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, द चार्ज, चार्जशीट कैसे फाइल की जाती है, पुलिस कब सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती है, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ चार्जेस, जॉइंडर ऑफ चार्जेस, ये दोनों तरह के चार्ज आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल, ट्रायल प्रोसीजर, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, केस इंस्टीट्यूट अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रायल, समन ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट और समरी ट्रायल। तो ये जितने भी तरह के ट्रायल्स हैं, सारे ट्रायल आपको कवर करने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे ट्रायल पे से कोई भी ट्रायल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा अपील, रिवीजन, रेफरेंस, जो अपील कैसे फाइल होती है, रिवीजन कैसे फाइल होती है, रेफरेंस कैसे फाइल किया जाता है, ऐसा क्या प्रोसीजर है, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। नौ टॉपिक हमारा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, मेंटेनेंस वाइफ की मेंटेनेंस कैसे होगी, चिल्ड्रंस की मेंटेनेंस कैसे होगी जो डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट पेरेंट्स की मेंटेनेंस का क्या रूल है। तो सेक्शन 125 से लेकर 128 CRPC को ये कवर करता है। तो बुक्स जो हम रिकमेंड करेंगे आपको, तो PC बनर्जी की एक बुक आती है क्रिमिनल ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, काफ़ी अच्छी बुक है, वो आप ले सकते हैं। RV केलकर की बुक आती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो आप ले सकते हैं। RV केलकर की ही एक और बुक है लेक्चर्स ऑन क्रिमिनल प्रोसीजर, ये भी अच्छी बुक है, ये भी आप ले सकते हैं। रतन लाल और धीरज लाल की एक बुक आती है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये भी अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं। SN मिश्रा की एक बुक आती है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर।
इसके अलावा SC सरकार की एक बुक आती है लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर कौन सी बेस्ट बुक है और हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, तो मैं आपको दो बुकें रिकमेंड करूंगा। PC बैनर्जी की एक बुक आती है यहाँ पे, सॉरी CP बैनर्जी की एक बुक आती है यहाँ पर, क्रिमिनल ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, ये अच्छी बुक है। इसके अलावा SN मिश्रा की जो बुक है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो अच्छी बुक है। इन दोनों बुक में से जो भी बुक आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। बुक्स जो है वो आपको बुक्स मार्केट से मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप दिल्ली में रहते तो नई सड़क एक बड़ा मार्केट है बुक्स का, वहाँ आपको मिल सकती है। अगर आप चाहें तो इसको अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये बुक्स अवेलेबल है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील इस सब जगह ये बुक्स जो है अवेलेबल है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वीडियो में हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज हमारे लिए BILLB 9 सेमेस्टर का सिलेबस लेके आया है। तो BILLB 9 सेमेस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आज का। तो आज जो हम पेपर नंबर 2 को कवर करेंगे, पेपर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, पेपर 2 है हमारा जिसका पेपर कोड है 9002। यह सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन है, यानी कि CPC वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, ये सिविल प्रोसीजर कोड है। दोनों ही जो है पुराने एक्ट ही फॉलो किए जाएंगे, नया एक्ट जो है वो भी फॉलो नहीं होगा। प्राइमरी प्रिलिमिनरी डेफिनेशन, सूट्स ऑफ क्रिमिनल नेचर, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, रेस सब्सिडाइज, फॉरन जजमेंट, प्लेस ऑफ स्विंग, ये सब आपके टॉपिक हैं सिविल प्रोसीजर कोड के। इसके अलावा है आपका पार्टीज टू सूट, फ्रेम ऑफ सूट, प्लीडिंग तो प्लांट रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, समन एंड डिस्कवरी, इश्यूज ऑफ समन, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। फोर्थ पॉइंट जो हमारा वो है इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग, कमीशन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, सप्लीमेंट प्रोसीडिंग, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, टेम्पररी इंजेक्शन, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, रिसीवर्स अपील, रेफरेंस रिव्यूज, रिविजन रिटेंशन, कैवियट और इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। अब इसमें जो हमारा फिफ्थ आता है पॉइंट वो है लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील्स एंड एप्लीकेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लीगल डिसेबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द टाइम इन द लीगल प्रोसीडिंग, इफेक्ट ऑफ दैट, फ्रॉड, एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पजेशन। तो ये टोटल सिलेबस हमारा हो गया CPC का जो सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करता है। अगर हम बुक्स रिकमेंड की बात करें तो मुल्ला की एक बुक्स आती है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, टेकवानी की एक बुक KC टेकवानी की एक बुक आती है सिविल प्रोसीजर, एनडी माथुर की एक बुक आती है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, DJ जैन की एक बुक आती है आपके लिमिटेशन है। ये आप बुक को परचेज कर लेंगे तो आपका सिलेबस इस तरह से कवर हो जाएगा। अब आप मुझसे अगर पूछेंगे कि सर इसमें में से बेस्ट बुक कौन सी है, तो जो बेस्ट बुक अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो KC टेकवानी की बुक है सिविल प्रोसीजर, वो इम्पॉर्टेंट बुक है। तो अगर हम बात करें इसकी तो एक बुक और आपको लेनी पड़ेगी, वो है DJ जैन की लिमिटेशन है। तो उसमें दो चीज़ें कवर है, सिविल प्रोसीजर कोड भी कवर है और लिमिटेशन एक्ट भी कवर है। बेयर एक्ट अगर आप लेना चाहेंगे तो CPC का अलग बेयर एक्ट आएगा और लिमिटेशन एक्ट का अलग बेयर एक्ट आएगा, दोनों बेयर एक्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो BILLB के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, बिल्कुल लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या स्किप करके स्क्रीन शॉट लेके जल्दी वीडियो को वो कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, सुन लीजिए एटलीस्ट। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BILLB 9 सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज का वीडियो लेके आए जिसमें हम सिलेबस कवर कर रहे हैं BILLB 9 सेमेस्टर का। तो पेपर नंबर जो 3 है हमारा, तो पेपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर नंबर 3 जो है हमारा वो है एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ एविडेंस, जो पेपर कोड है 9003। तो फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट डॉक्यूमेंट, एविडेंस प्रूव, डिसअप्रूव, नॉट प्रूव, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, और सर्कमटेंशियल एविडेंस, रिलेवेंसी एंड एडमाइजिबिलिटी, रेस जडिस्टिक और सेक्शन 6-13 इसके अंदर कवर होगा। इसके अलावा जो है हमारा
एडमिशन और कन्फेशन सेक्शन 17 से लेकर 31 तक, डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 का 1, और रिलेवेंसी ऑफ द जजमेंट सेक्शन 40 to 44, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन सेक्शन 45 to 47, कंडक्ट एंड करेक्टर ऑफ पार्टी सेक्शन 52 to 55, जुडिशियल नोटिस सेक्शन 56 to 57, एस्टोपल्स सेक्शन 115 to 116, मीन्स ऑफ प्रूफ की अगर हम बात करें तो ओरल एविडेंस की बात कर सकते हैं इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर सकते हैं जो पुलिस डॉक्यूमेंट हो सकता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है। सेक्शन 59 से 65 तक इसको कवर करेंगे, सेक्शन 74 to 78 तक कवर रहेगा। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें तो सेक्शन 91 to 92, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सेक्शन 101 से सेक्शन 106 तक कवर होगा। विटनेस की बात करें तो कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द विटनेस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट प्रिविलेजेस एंड प्राइवेट प्रिविलेजेस सेक्शन 118 to 155। अगर हम बुक्स रिकमेंड की बात करें तो बटुकलाल की बुक्स आती है लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है, धीरज लाल और रतन लाल की एक बुक आती है आपकी द लॉ ऑफ एविडेंस। इसके अलावा पी विपा शास्त्री की एक बुक आती है लॉ ऑफ एविडेंस, एम सी एम शंकर सरकार की बुक आती है सरकार सी एस सरकार की बुक आती है लॉ ऑफ एविडेंस इन इंडिया। इसके अलावा एस सरकार एंड एल अहमद की बुक आती है लॉ ऑफ एविडेंस, अवतार सिंह की बुक आती है लॉ ऑफ एविडेंस। तो सबसे बेस्ट बुक जो है डॉक्टर अवतार सिंह की है लॉ ऑफ एविडेंस, इस बुक को ले लें, अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आप दूसरी ये बुक ना मिल पाए तो दूसरी बुक लेना चाहिए रतन लाल धीरज लाल की बुक लॉ ऑफ एविडेंस भी अच्छी बुक है। तो ये पेपर नंबर 3 तक हमने कवर कर लिया है आज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है BLLB बस हम डिस्कस कर रहे हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB 9 सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज सिलेबस को लेकर वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें पूरा सिलेबस कम्प्लीटली हम कवर कर रहे हैं। तो पेपर नंबर 3 जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज एंड कंपटीशन एक्ट, पेपर कोड है इसका 9004। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड द रीजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ द एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन द अदर लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब इसके अंदर कवर है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द डेफिशिएंसी इन द सर्विस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमराइजेशन, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंपोजिशन, पावर एंड द फंक्शन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्वल एजेंसीज, कंपोजिशन, जुरिडिक्शन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, अपील, फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर, लिमिटेशन पीरियड, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, पावर टू मेक रूल्स। एम्स ऑब्जेक्टिव एंड रीजंस ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002, डेफिनेशन, एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज, डोमिनेंट पोजिशन, रेगुलेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ कंपिटिटिव कमीशंस इन ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द कमीशन, ड्यूटीज, पावर एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल, पेनल्टीज ऑफ कंट्रोवेंशन ऑफ द कमीशन ऑर्डर, पावर टू मेक रूल। अगर हम इसके अंदर बुक्स रिकमेंडेशन की बात करें तो आर के बांगिया की एक बुक आती है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इसके अलावा डूगर की बुक आती है कंपटीशन लॉ ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अवतार सिंह की बुक आती है डॉक्टर अवतार सिंह की लॉ ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और एस सी त्रिपाठी की बुक आती है डॉक्टर एस सी त्रिपाठी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लास्ट अगर हम बोले कि अच्छी बुक कौन सी, इनमें से कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, तो नो डाउट डॉक्टर अवतार सिंह की लॉ ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और डॉक्टर एस सी त्रिपाठी की द कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये सबसे अच्छी बुक है इस सब्जेक्ट के लिए जो आप ले सकते हैं। अब तक हमने टोटल 4 सब्जेक्ट आपके कवर कर लिए, पांचवा सब्जेक्ट लास्ट सब्जेक्ट जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपको ऑनलाइन ट्यूशंस भी देता है, अगर आप चाहें तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक मिनिमम फीस आपको देनी होती है मंथली फीस, जिससे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम सारे नोट्स, असाइनमेंट सब शेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को करवाते हैं, पहले लर्न करवाते हैं, फिर डिस्कस करवाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, फिर रिविजन कराते हैं, तो सब कुछ इसके अंदर चलता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB 9 सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज सिलेबस वीडियो लेके आया है। तो पेपर हमारा जो लास्ट है, ये गलती से पेपर थे ले गया, पेपर जो लास्ट है हमारा वो है BL 9005, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग इसका सब्जेक्ट का नाम हो गया।
दिस पेपर विल कैरी 100 मार्क्स विच विल बी डिवाइडेड इनटू थ्योरी पेपर एंड प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन कैरिंग 50 मार्क्स। तो 50 मार्क का थ्योरी पेपर होगा, 50 मार्क्स का जो होगा वो आपका वाइवा होगा। द थ्योरी पेपर विल बी कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ अदर थ्योरी पेपर, दूसरे थ्योरी पेपर के साथ ही ये कवर हो जाएगा। दिस कोर्स विल बी टॉट थ्रू द क्लास इंस्ट्रक्शन एंड सिमुलेशन एक्सरसाइजेस प्रेफरेबली विद द असिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉयर रिटायर्ड जजेस अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ। द कोर्स विल इंक्लूड रिटर्न एक्सरसाइज इन द ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग कैरिंग 20 मार्क्स। ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग 20 मार्क्स है जिसमें 2 मार्क्स फॉर ईच एक्सरसाइज एंड 10 रिटर्न एक्सरसाइज इन कन्विंसिंग देन कैरिंग द 20 मार्क्स और 2 मार्क्स जो है वो ईच एक्सरसाइज के। ईच स्टूडेंट विल मेंटेन अ सेशनल एक्सरसाइज बुक फॉर द पर्पस ऑफ राइट डाउन द एक्सरसाइज इन द प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग ड्यूरिंग द रेगुलर क्लासेस। इट विल बी असिस्टेड बाय द कॉन्शियस बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होंगे। द वाइवा वॉइस विल बी ऑफ 12 मार्क्स, 10 मार्क्स का वाइवा होगा। द कोर्स शैल कंप्राइज द फॉलोइंग ड्राफ्टिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग रिलेवेंट सब्सटेंसेस रूल शैल बी थॉट और प्लीडिंग सिविल प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट इंटर लिटरी एप्लीकेशन ओरिजिनल पेटिशन एफिडेविट एग्जीक्यूशन पेटिशन मेमोरेंडम ऑफ अपील मेमोरेंडम ऑफ रिविजन पेटिशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिमिनल कंप्लेंट क्रिमिनल मिसलेनियस पेटिशन बेल एप्लीकेशन मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड रिविजन कन्वेंसिंग एसेंशियल्स ऑफ द डीड सेल डीड मॉर्गेज डीड लीज डीड गिफ्ट डीड प्रोमिसरी नोट पावर ऑफ अटॉर्नी विल एग्रीमेंट, ये सारे आपको इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा अगर बुक्स की बात करें तो ए एन चतुर्वेदी की बुक्स आती है प्लीडिंग्स कन्वेंसिंग ठीक है एंड ड्राफ्टिंग एंड लीगल प्रोफेशनल एथिक्स। आर एन चतुर्वेदी की बुक आती है प्लीडिंग ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग ठीक है। पी सी मोगा की बुक आती है द लॉ ऑफ प्लीडिंग इन इंडिया और बी पी सिंह की बुक आती है प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो अच्छी बुक की बात करें कि इन सब में से कौन सी सबसे अच्छी बुक है, तो जो ये बुक है आपकी पी सी मोगा की द लॉ ऑफ प्लीडिंग इन इंडिया ये अच्छी बुक है। इसके अलावा बी पी सिंह की जो बुक है प्लीडिंग कन्वेंसिंग ड्राफ्टिंग ये भी अच्छी बुक है, दोनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा टोटल सिलेबस जो था मैंने 9 सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से कर लेंगे तो ये आपका पूरे कोर्स को कवर कर लेगा और ये सिलेबस है पूरे कोर्स का है। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेरीज है कोई डाउट है वीडियो कैसा लग रहा है और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB 9 सेमेस्टर के सिलेबस आज कवर कर रहा था। जिन भी बच्चों ने पूरा वीडियो देखा लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें शेयर कर लें और लाइक करें। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से बेनिफिट ये होगा कि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आता है। तो फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर जहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, मेरा फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। BLLB और LLB के सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF फॉर्मेट में विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस और इजी लैंग्वेज में अवेलेबल है एक अफोर्डेबल प्राइस पर। इसके अलावा आप वीडियो सेशन भी ले सकते हैं लेक्चर्स ऑफ सीरीज ले सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट की विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आपकी, आपको नोट्स के प्राइस पूछने वीडियो लेक्चर्स के प्राइस पूछने तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एजुकेटर दिल्ली को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेलिंग आईडी है krar29.mukesh@gmail.com। तो आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा और BLLB का हमने 9 सेमेस्टर के सिलेबस को कम्प्लीटली कवर किया पांचों सब्जेक्ट बुक्स रिकमेंडेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।